देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या रामलला का दर्शन करने पहुंचे अपने को राम के वंशज बताने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। राजा राजेंद्र सिंह का कहना है कि भगवान राम क्षत्रिय वैश्य ठाकुर है। भगवान राम वैश्य राजा खानदान के थे। राजवंश के सिंबल में स्वास्तिक का निशान हमारा है। राम मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा, इसलिए पूजा करने आया हूँ। राम मंदिर का पिलर लगाते पानी व बालू निकल रहा है। अब राम के वंशज ने पूजा कर ली, राम मंदिर अब बनेगा। वंश के आदमी ने अभी तक पूजा नहीं किया था, राम ने मंदिर को रोका हुआ था कि ये भगवान राम वैश्य राज खानदान के थे और हमारे सिंबल में स्वास्तिक का निशान हमारा है। इसका निर्माण हो ही नहीं रहा, इसीलिए तो मैं पूजा करने आया हूँ कि राम मंदिर के सारे पिल्लर जो भी लगाते हैं तो पानी में चले जाते हैं, बालू निकल आती है। अब चलेगा, अब बनेगा, क्योंकि भगवान भी कोई भी पिता अपने पुत्र का जब तक उसके वंश का आदमी उस भवन में हाथ नहीं लगाता है, पूजा नहीं करता है, इसीलिए भगवान राम ने रोका।